कोरोना कोरोना कोरोना, जहां देखो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, अखबार में, चर्चा में, हर जगह कोरोना 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 कोरोना। बेसिकली हमारी मानसिक बीमारी ज्यादा हो गई है और जो हमारी फिजिकल बीमारी है वो कम है। जितनी भी वीडियो या जितने भी वायरल या जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो अधिकतर डराने वाले और लोगों को घबराहट पैदा करने वाले आ रहे हैं। जो सावधानी वाले मैसेज हैं, आदमी उन सावधानियों को सोच समझ कम रहा है और डराने वाले मैसेजों को ज्यादा देख रहा है, क्योंकि YouTube और Facebook पैसा देते हैं वीडियो को चलाने के लिए। वीडियो जितनी ज्यादा लोग देखेंगे, वीडियो चलाने वाले को उतना ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए वीडियो बनाने वाले और वीडियो चलाने वाले अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपना नाम कमाने के लिए या अपना पैसा कमाने के लिए या किसी अज्ञानता में सिर्फ ये जानते हुए कि वो शायद बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जो जानकारियों का ना सर है ना पैर है, ना ही कोई बेसिक है, ना ही कोई रिलेशन है। जिन लोगों ने कोरोना के डिसीज को या वायरस को या हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को या काम करते हुए लोगों को देखा तक नहीं है, वो भी कोरोना के स्पेशलिस्ट बने घूम रहे हैं और धाधड़ वीडियो पर वीडियो और मैसेज पर मैसेज ऐसे डाल रहे हैं जैसे सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े डॉक्टर और फिलोसफर वही हैं। आप ऐसी वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके मन मस्तिष्क में कोरोना का दबाव बढ़ाती हैं। कोरोना का स्टेटिक्स कोई इतना ज्यादा खराब नहीं है और वायरस बहुत खराब चीज नहीं होती। वायरस हमारी बॉडी बिल्डिंग की सबसे पहली अहमियत है। जब हम बने, जब हमारा शरीर बना, जब जानवर बने, तो जानवर बनने की जो सेल है उस सेल से, उस कोशिका से पहले जो चीज बनी थी वो वायरस है, जिसको गलती से हम विष अणु बोलते हैं। बेसिकली वो जीवाणु भी होता है, यानी जो वायरस हमें सही फायदा देता है उसको हम जीवाणु बोलते हैं, लाइफ का एटम बोलते हैं, और जो हमें नुकसान देता है हमारे बॉडी को, शरीर को, या पेड़ को, पौधों को, या जंतु को, उसको हम विष का यानी डेथ का अणु बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। बेसिकली वायरस नहीं जानता कि वो जीवाणु है या विष अणु है। इसलिए बराए मेहरबानी के आप ऐसी वीडियोस को ना देखें जो बिना सर पैर की आपके बच्चों पर, आप पर, आपके दबाव डालती हैं। पूरे अगर इटली में भी आप केस देखेंगे तो 6 करोड़ लोग वहां हैं, तो 6 करोड़ के 6 करोड़ इन्फेक्टेड नहीं है, 1,00,000 1.5 लाख 1.5 लाख के करीब वहां इन्फेक्टेड लोग होंगे। उन इन्फेक्टेड लोगों में से भी अगर 1 लाख इन्फेक्टेड हुए हैं तो वो भी अपनी गलती से और अपनी लापरवाही से या अनजाने में हुए, तो उनमें से जो 90,000 लोग हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। 10,000 जो लोग हैं वो या तो बूढ़े हैं या वायरस को समझ नहीं पाए या वायरस उन पर काबिज हो गया या पहले से ही उनके कोई ना कोई डिसीज है या लापरवाही है, इस कारण से वो उसके खतरे में या उसकी बाउंड्री में आ गए हैं। उसके बाद भी डॉक्टर उसको क्योर कर रहे हैं और दवाइयां लगभग बहुत रिसर्च पे ट्रायल पे चल रही है, कोई ना कोई दवाई काम कर रही है। जैसा कि जयपुर के अंदर बताया था कि डॉक्टरों ने 3 सार्स के मरीजों को 1 साल पहले ठीक कर दिया, ऐसी बातें भी बहुत ज्यादा कामयाब और बहुत ज्यादा अच्छी है। पूरी दुनिया के अंदर जो 7 अरब लोग हैं, 7 अरब के 7 अरब इन्फेक्टेड नहीं है, या किसी देश में चाइना में अगर 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है तो 100 करोड़ की 100 करोड़ इन्फेक्टेड नहीं है, वहां सारे लोग नहीं मारे गए हैं, या भारत के अंदर भी जो विषाणु है, मगर नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर आप जानकारी, डॉक्टर ने जो जानकारी दी है उसका फायदा नहीं लेंगे। जैसे आपको कहा गया कि आप अपने घर पे रहिए, आपको घर के अलावा कहीं नहीं जाना है, इसको बोलते हैं क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब है कि जो विषाणु या जो वायरस या जो ऐसी चीजें जो मनुष्य के लिए, जानवर के लिए खतरनाक हैं, उनसे दूर रहिए। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों की जहां पे वायरस की निडल या सुई पड़ी होती है उस जगह शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है और सबसे बढ़िया इलाज यह है कि आप इससे दूर रहें। क्यों दूर रहें? दूर इसलिए रहें कि वायरस अपने आप आपसे नहीं चिपक रहा है, ना वो आपका नाम पता पूछता हुआ आपके पीछे आ रहा है। वायरस की ना आंख होती है, ना विषाणु के कान होते हैं, ना उसके पास पैर होते हैं, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना हवाई जहाज है, ना कोई समुद्र का जहाज है, ना वो पैदल चलता है, ना वो दौड़ता है, और वो अगर बाहर बेचारा निकलेगा भी तो वो मारा जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी से, गर्मी से फट जाएगा, या साबुन से हाथ धो लेंगे तो मारा जाएगा। तो फिर वायरस को लेके कौन आता है? बेसिकली वायरस तो किसी के घर जाता नहीं है, ना ही वायरस किसी के दफ्तर में या ऑफिस में या हॉस्पिटल में जा रहा है। वायरस को जो लेके आ रहा है वो आप लेके आ रहे हैं। बेसिकली वायरस के जो वाहन है, जो कैरियर है, जो वायरस को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, फैलाने का, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता। वो इतना छोटा होता है कि 1 सेंटीमीटर में
लगभग 7.5 लाख अगर लाइन लगा के वायरस इकट्ठे किए जाए तो 1 सेंटीमीटर में 7.5 लाख आ सकते हैं, या एक अगर आप जो छोटी चम्मच होती है उसमें समुद्र का पानी लें तो उसमें 1 करोड़ तक वायरस आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे। वायरस हमारे आसपास लगभग 4,800 रहते हैं और हर समय वायरस रहते हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर वायरस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पूरी हवा में, पूरे वातावरण में 4,800 प्रकार के वायरस तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वायरस हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारे शरीर को, जीव के शरीर को बनाने की पहली कड़ी है। वायरस एक कमाल की चीज है कि ना तो वो मटेरियल है और ना ही वो जीव है, यानी कि जो पदार्थ और जो जीवन है उसके बीच का जो चीज है, आइटम है, वो वायरस है। इसको ऐसे समझें कि कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, पदार्थ चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, और यहां कोई मनुष्य का सेल पड़ा हुआ है, कोशिका पड़ी हुई है, या कोई जीव पड़ा हुआ है, वो चलेगा भी दौड़ेगा। तो पदार्थ से जीव कैसे बनता है उसके बीच की कड़ी को वायरस बोलते हैं। वायरस के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम अपने को आगे बढ़ाने के लिए होता है ताकि वो अपना प्रोडक्शन कर सके, मगर उस प्रोग्राम के ना हाथ होते ना पैर होते ना उसे कहीं से खाना मिलता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, मगर वो प्रोग्राम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या अनुकूल परिस्थिति ना हो, या आप साबुन से हाथ धो लें या सैनिटाइज कर लें, या कुछ दिन तक वो पड़ा रहे, कुछ घंटे तक पड़ा रहे, जैसे इस केस के अंदर 72 घंटे में ये वायरस सब जगह से अपने आप खत्म हो जाता है, तो शरीर पे भी अगर आपके गिरेगा तो आपके शरीर में घुसेगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, और ऊपर की जो आपकी त्वचा या स्किन होती है वो बिल्कुल डेड होती है, इसलिए अगर स्किन पे भी वो गिरता है तब भी आपको खतरा नहीं है। खतरा तब हो सकता है जब वो आपके आंख, नाक, कान, मुंह के अंदर जाए, यानी कि आपके शरीर में प्रवेश करे, तब भी खतरा इतना नहीं है, क्योंकि अगर वो मुंह से जाता है तो मुंह के अंदर बहुत सारा एसिड होता है, एसिड अच्छे अच्छे बैक्टीरिया और वायरस को गला देता है, HCl एसिड जला देता है, तब भी खतरा कम है। अगर वहां से भी वो बच जाता है और आगे जाता है तो उसके बाद एक इंटरफेरोन करके एक चीज होती है शरीर के अंदर, वो इंटरफेरोन उसको पहचान लेती है और उसको जो जिन सेल्स में वो जाता है उन सेल्स को मार देती है, या उनके आसपास की सेल को मार देती है। अगर वो सेल के अंदर घुस भी जाता है तो वहां एक एंजाइम होता है, वो उसके डीएनए को, यानी जो उसका प्रोग्राम होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें दीवार के अंदर होती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं, ब्लड उनको पहचानता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वो उसको मार देती हैं। बहुत सारी दीवार पार करने के बाद में वायरस आपको जाके दिक्कत पैदा करता है, उसके बाद में फिर दवाई आती है, मेडिकल चिकित्सा आती है, यानी वायरस की आपके शरीर में घुसने की यात्रा बहुत लंबी है, मगर आप उसको आसान बना देते हैं। आप उसको आसान ऐसे बना देते हैं कि एक तो आप अपने आप को जो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई मर्द नहीं, हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं, और हमारा वो वायरस क्या कर लेगा जो माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक स्कोप से दिखाई देता है। तो आपकी जो ये गलतफहमी है, ये वायरस की ताकत है। बेसिकली वो इतना छोटा है, दिखाई नहीं देता, कि वो आपके हाथ में चिपक जाता है, आपकी किताब में चिपक जाता है, आपके पेन में चिपक जाता है, आपके मोबाइल में चिपक जाता है, आपके लैपटॉप में चिपक जाता है, आपकी गाड़ी के हैंडल पर चिपक जाता है, आपकी जो चाबी है उस पर चिपक जाएगा, आप किसी गले में लोगे तो आपके कपड़ों में आ जाएगा, बालों में आ जाएगा, और फिर जैसे ही आप सांस लोगे तो सांस के थ्रू या कैसे भी बहुत सारे तरीके वायरस के अंदर आने से, खून में भी कुछ वायरस आते हैं, कुछ हवा से आते हैं, कुछ पानी से आते हैं, कुछ ट्रांसमिशन होते हैं अलग अलग तरीके से, तो वायरस के बहुत प्रकार बहुत तरीके होते हैं। तो आप उसको स्पेस दे रहे हैं, आप उसके वाहक बन रहे हैं, आप उसके नौकर बन रहे हैं बेसिकली, अपनी इस बात में, इस ईगो में कि हमारा वायरस क्या कर लेगा, और इसी का फायदा वायरस उठा रहा है, क्योंकि आप बहुत तेजी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे डॉक्टरों की, क्योंकि अगर आप 2-3 हफ्ते तक अंदर रहते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं जुलते हैं तो वायरस कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे लेने कोई गया ही नहीं। और जिन लोगों के वायरस पहले आ चुका है उनमें 100 में से 80 ठीक हो जाते हैं, 90 ठीक हो जाते हैं, 10 की क्रिटिकल पोजीशन होती है, वो भी जो अपनी लापरवाही से होते हैं या जिनको क्योर नहीं मिल पाती है। तो वायरस 2-3 हफ्ते में पूरी दुनिया से साफ हो सकता है, जैसे चीन ने किया, चीन ने सबको घर में बंद कर दिया, घर में बंद करने से वायरस की बेचारे की जो टैक्सी और गाड़ी है वो सब बंद हो गई, क्योंकि टैक्सी गाड़ी और उसके नौकर ड्राइवर तो आप ही हैं, तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, और जहां वायरस मिला वहां साबुन के पानी से धो दिया या सैनिटाइजर से धो दिया या किसी चीज से हाथ साफ कर लिए या उसमें धूप लगा दी, या उसको 72 घंटे के लिए है या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए उस चीज को बंद कर दिया, या उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 3-4 दिन के लिए, तो वायरस अपने आप मर जाता है, क्योंकि उसकी कोई वाहक आया नहीं, कोई कैरियर आया नहीं, उसको कोई पूछने आया नहीं, उसकी कोई इज्जत करने आया नहीं, तो वो अपने आप ही सुसाइड करके दम तोड़ लेता है। इसलिए वायरस बहुत कमजोर और बहुत ही ज्यादा ऐसा पार्टिकल है
ऐसा उसको अधजीव बोल सकते हैं, आधा जीव बोल सकते हैं, जो आपको नौकर बिने बनाए बिना आपको नहीं मार सकता, आपको खत्म नहीं कर सकता। आप खुद उसे लेने जाएंगे, खुद उसके ड्राइवर बनेंगे, खुद उसके नौकर बनेंगे, खुद उसकी गुलामी करेंगे, खुद उसे अपने अंदर डालेंगे, तब वो आप पे हमला करेगा। अदरवाइज उसकी औकात नहीं किसी वायरस की कि वो आपका बाल बांका भी कर सके। इसलिए जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं या जो जानकारी में कमजोर हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको तुरंत ही अपने शरीर को नहा धोकर, अपने हाथ पैरों को साबुन से धोकर, अपने घर को साबुन से साफ करके और लोगों से आना जाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बच्चों से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, तो पूरा भारत बच जाएगा। आप भारत की ताकत को नहीं जानते। भारत ने पूरी दुनिया में करोड़ों कपड़े एक्सपोर्ट किए हैं। भारत अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो एक दिन में 100 करोड़ मास्क बना सकता है। उसके पास इतनी क्षमता, इतनी कारीगर, इतनी मशीन है। भारत अगर चाहे तो यहां लाखों करोड़ों फ्लैट पड़े हुए हैं खाली, उनको अस्पताल बना सकता है एक दिन के अंदर। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहां जो हर शहर में लाखों फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, वो सब अस्पताल एक दिन में बन सकते हैं, मगर इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि भारत के पास इतना खाना और इतनी शक्ति है कि वो पूरे भारत को 6 महीने तक खिला सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहां नहीं है। यहां इतने ज्यादा समझदार लोग हैं, इतने ज्यादा संगठनों के लोग हैं कि वो सब अगर स्वयं सेवक बन के आके सेवा करेंगे तो यहां सेवादारों की भी कमी नहीं रहेगी। यहां पैसे की भी कमी नहीं है। अगर सरकार के पास भी पैसा ना हो तो यहां जो मंदिरों में दान, मस्जिदों में दान, गिरजाघर में दान, बुद्ध विहारों में दान, जैन विहारों में दान, ये इतना दान जो आपने दिया है वो सारा बैंकों में सुरक्षित है, वो सोने के रूप में जमा है, सरकार उसको लेके इस्तेमाल कर सकती है। यहां वेंटिलेटरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहां इतनी ज्यादा मशीनरी की फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि कार बनाना अगर बंद कर देंगी तो वो वेंटिलेटर बहुत आसानी से बना सकती हैं। एक दिन में 1000 वेंटिलेटर तैयार हो सकते हैं, बेड तैयार हो सकते हैं। यहां सेवादारों की, यहां नर्सों की, यहां इतनी बेरोजगार लोग हैं कि वो सब काम पे लगाए जा सकते हैं। यहां जो डॉक्टर का सूट होता है प्लास्टिक का, क्योंकि यहां सब इतने हाथ के कारीगर हैं कि एक दिन में लाखों करोड़ों सूट बनाए जा सकते हैं। सरकार अगर दृढ़ इच्छा दिखा दे और ये कह दे कि ये सारा काम युद्ध स्तर पर होगा, तो 3 दिन के अंदर स्थिति उलटपट होगी। मगर उससे बेहतर है कि आप उस स्थिति को आने ही ना दें, आप अपने घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहेंगे तो वायरस आपके घर पे घंटी बजाने नहीं आएगा। आप वायरस के घर पे मत जाइए घंटी बजाने के लिए कि वायरस हम आ गए। वो बड़ा खुद्दार है, बहुत समझदार है, वो हमला नहीं करता, वो किसी भी हालत में नहीं आता। आप उसको मत छेड़ो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वायरस हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा शरीर, जानवरों का शरीर वायरस से ही शुरू हुआ है। जो विषाणु है, सबसे पहले जो मटेरियल है विषाणु है, उसके बाद हम बने हैं। इसलिए वो हमें ढूंढता है, हमारे शरीर में आता है और हमारी सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को पहचान लेता है और उनका इस्तेमाल करता है। वायरस काम कैसे करता है? वायरस का काम करने का तरीका बहुत आसान है। बेसिकली वायरस को कुछ नहीं पता, वो एक छोटा सा प्रोग्राम है। अगर वो आपके शरीर के अंदर आ जाता है तो वो आपके शरीर से भोजन और पानी चाहता है और चाहता है कि अपनी वो प्रजनन क्षमता को बढ़ा ले, अपने जैसे और लोगों को पैदा कर ले। उसे नहीं पता कि आपको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। वो कुछ नहीं जानता, उसका कोई कान नहीं, उसका कोई चेतना नहीं, उसका कोई माइंड नहीं, उसका कोई शरीर नहीं। जब वो शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और सेल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, तब वहां वो सेल से अपना काम करवाता है, उस कोशिका से अपना काम करवाता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस को पैदा करता है। यही आदमी की, यही जीवों की बेसिक जो टेंडेंसी है, जो बेसिक व्यवहार है, वो यही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों, जानवर भी चाहता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हों, जो पेड़ पौधे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे जैसे हों, क्योंकि इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो ज्यादा रहेगा, जो तगड़ा रहेगा, वो प्रकृति में चलेगा। ये बेसिक नियम है जो उसके डीएनए के अंदर होता है। इसलिए वो हमारी सेल से अपना काम करा के अपने जैसे बहुत सारे रेप्लिकेट यानी फोटोकॉपी पैदा करता है, जो करोड़ों में होते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाता है। ये जीवन का बेसिक सिद्धांत है। वायरस हमारे जीवन की पहली कड़ी है, हमारा दुश्मन नहीं है, मगर अपना काम कराने के चक्कर में हमारी जो सेल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, या तो वो सुसाइड कर लेती हैं, मर जाती हैं, या वो सड़ जाती हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम उनको मारना शुरू कर देता है, हमारी सेल डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, खराब होनी शुरू जाती हैं, और हमारा जो शरीर है, बाकी ऑर्गन है, वो फेल होने शुरू जाते हैं। वायरस को नहीं पता कि वो आप मर रहे हैं या जी रहे हैं, वो अपना काम करता है। जितना काम उसके डीएनए में, आरएनए में, यानी जितना सॉफ्टवेयर उसके वायरस के अंदर होता है, वो उतना ही काम करता है। उसे आपके जीने मरने से कुछ नहीं पता। वो आपको मारना नहीं चाहता, आपके पीछे नहीं है, वो आपको टारगेट नहीं कर रहा है, मगर आप उसका भोजन है,
आप उसके बच्चे हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज्यादा जब आप स्त्री में आता है तो घर अपना बना लेता है। आप उसको मत छेड़िए, अपने घर में रहिए, उसका जो होना हो रहा है हो जाएगा, आप बच जाएंगे। भारत में जो मुसीबत आई हुई है, जो आपातकाल आया हुआ है, उसको समझिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे बहुत ज्यादा विद्वान हैं, चाहे बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, चाहे किसी मजहब के हैं, चाहे आपकी कोई पार्टी है, चाहे आप किसी के नेता हैं, अभी तो भारतीय होने का समय है। आप भारतीय के अलावा कुछ नहीं है, तो भारत को बचाने के लिए अपने आप को बचाइए। धन्यवाद।